वेलकम बाय ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ संत माइकल एकेडमी बेतिया। आई सेल्फ धनंजय कुमार स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल के बारे में पढ़ा था, यानी एक्सेल का कौन कौन से गुण है। अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेटिंग ए चार्ट, यानी चार्ट में हम लोग क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग इम्प्रूव द अपेयरेंस ऑफ ए चार्ट। वी कैन फॉर्मेट ए चार्ट बाई एडिंग टाइटल, यानी एडिंग टाइटल, चेंजिंग टेक्स्ट फॉन्ट, लाइन्स कलर, स्विच, बॉर्डर स्टाइल, लीजेंड्स, डेटा सीरीज etc। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो चेंज द नंबर्स ऑन वैल्यू एक्सिस, हाइड और सो ग्रिड लाइन्स etc। चेंजिंग बैकग्राउंड कलर्स एंड पैटर्न्स। वी कैन मॉडिफाई ए चार्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर पैटर्न्स एंड बैकग्राउंड्स। राइट क्लिक ऑन द प्लॉट एरिया एंड सेलेक्टेड फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन। द फॉर्मेट प्लॉट एरिया डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। हम लोग राइट क्लिक ऑन द प्लॉट एरिया के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन, द फॉर्मेट प्लॉट एरिया डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा। सेम ऐसे ही फॉर्मेट प्लॉट एरिया डायलॉग बॉक्स इसके समान ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट ए सुटेबल बॉर्डर स्टाइल। उसके बाद हम लोग बॉर्डर स्टाइल को, बॉर्डर कलर को, शैडो यानी उसके छाया को हम लोग क्या करते हैं, etc अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अपने अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द फिल टैब एंड सेलेक्ट द सॉलिड फिल ऑप्शन। क्लिक ऑन द कलर बटन ऑन सेलेक्ट द डिजायर कलर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। क्लिक ऑन क्लोज बटन एंड ऑब्जर्व द चेंज। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेटिंग ऑफ द लीजेंड। लीजेंड इज ए बॉक्स दैट आइडेंटिफाइज द पैटर्न और कलर्स असाइन टू द डेटा सीरीज इन ए चार्ट। इट हेल्प्स इन द रीडिंग ऑफ ए चार्ट एक्यूरेटली। लीजेंड मोस्टली अपीयर्स ऑफ द राइट ऑफ द चार्ट। वी कैन प्लेस देम एनीवेयर एज पर योर चॉइस। अब हमारा जैसे यहाँ फिगर दिया हुआ है कि किस चीज़ का फिगर है, फॉर्मेट लीजेंड ऑफ द डायलॉग बॉक्स। वी कैन फॉर्मेट टेक्स्ट बैकग्राउंड बाउंड्री एंड कलर ऑफ ए लीजेंड। राइट क्लिक ऑन द लीजेंड बाउंड्री एंड सेलेक्टेड फॉर्मेट लीजेंड। यानी बैकग्राउंड बाउंड्री एंड कलर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से भी चेंज कर सकते हैं। डैट फॉर्मेट लीजेंड डायलॉग बॉक्स विल ओपन। क्लिक ऑन द बॉर्डर स्टाइल टैब। क्लिक ऑन डैश टाइप ड्रॉप डाउन इट लिस्ट्स एंड सेलेक्ट एनी स्टाइल। क्लिक ऑन विथ ड्रॉप डाउन बॉर्डर स्टाइल टैब एंड सेलेक्ट थिकनेस ऑफ योर चॉइस। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसके क्या कर सकते हैं, एरो सेटिंग है, ज्वाइन टाइप है, कैन टाइप है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग चूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द बॉर्डर कलर टैब एंड सेलेक्ट सॉलिड लाइन ऑप्शन, चूज अ डिजायर्ड कलर। जो बॉर्डर लाइन है उसको हम लोग कलरफुल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ फिगर में आपका दिया हुआ है। यहाँ ब्लैक एंड वाइट है, काला है, पर इसको हम लोग कलरफुल भी चेंज कर सकते हैं। टू पोजिशन द लीजेंड ऑन ए चार्ट, क्लिक ऑन द लीजेंड ऑप्शन टैब इन फॉर्मेट लीजेंड डायलॉग बॉक्स। प्रेस द बटन रेडियो बटन। क्लिक ऑन क्लोज द लीजेंड विल बी प्लेस एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। उसके बाद आता है चेंजिंग द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सिस, यानी जो वैल्यू एक्सिस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ फीचर में, एक्सेल के फीचर में उसको भी हम लोग यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन एक्सिस इन द साइड ऑफ चार्ट कॉन्टेंस द वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच ए चार्ट इज प्लॉटेड। वेन ए बार चार्ट, यहाँ बार चार्ट के बारे में हम लोग टाइप अप्लाइंग न्यू चार्ट टाइप में देखे हुए थे। बार, वहाँ पर बार चार्ट और एक कॉलम चार्ट इज ए क्रिएटेड। यहाँ बार चार्ट और कॉलम चार्ट क्या होता है, क्रिएटेड किया जा सकता है। इट हैज द एक्स एक्सिस एंड ए वाई एक्सिस। वी कैन हाउ एवर कस्टमाइज द स्केल
to meet our needs to requirements. Follow this step. Point the mouse at y-axis. यानी हम लोग क्या करेंगे, माउस के पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, वाई एक्सिस पर ले जाएंगे. पॉइंट द माउस एट द वाई एक्सिस, राइट क्लिक ऑन एंड सिलेक्ट फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शन ऑफ द शॉर्टकट मेनू. द फॉर्मेट एक्सिस डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन. सिलेक्टेड एक्सिस ऑप्शन टैब, क्लिक ऑन फिक्स ऑप्शन मिनिमम and enter the 20 inlet text box. यानी मिनिमम हम लोग कितने वर्ड में 20 टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे. सिमिलरली इंटर द मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम 20 टेक्स्ट होगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 मैक्सिमम टेक्स्ट पर. क्लिक ऑन द क्लोज बटन. द चार्ट विल बी डिस्प्ले द वैल्यू बिटवीन 20 एंड 200. सिमिलर ऐसे ही वी कैन चेंज द स्केल ऑफ एक्स एक्सिस. ऐसा ही हम लोग वाई एक्सिस को चेंज किए, सेम ऐसा ही हम लोग एक्स एक्सिस को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. टू इंसर्ट डेटा लेवल्स, राइट क्लिक ऑन द डेटा सीरीज एंड चूज द एड डेटा लेवल्स फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू. अब यहाँ आता है फॉर्मेटिंग एंड डेटा सीरीज. एंड डेटा सीरीज को भी हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं. वी कैन फॉर्मेट ए डेटा सीरीज बाई चेंजिंग the bar color line slice and shifting its position. हम लोग यहाँ पर colors line slice and shifting position को क्या कर सकते हैं, format कर सकते हैं. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, right click on the data series, select format data series option from the shortcut menu. shortcut menu से क्या करेंगे, format data series option को क्या करेंगे हम लोग select करेंगे. फॉर्मेट डेटा सीरीज डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन हो जाएगा. क्लिक ऑन द बॉर्डर स्टाइल टैब, क्लिक ऑन द बॉर्डर स्टाइल टैब. यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स दिया हुआ है तरह तरह का. क्लिक ऑन द फिल टैब. फिल टैब पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फिगर में दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे फिल बॉर्डर कलर बॉर्डर स्टाइल शैडो 3D फॉर्मेट. यहाँ फील पर भी दिया हुआ है, नो फील, सॉलिड फील, रेडिएंट फील, पिक्चर और टेक्सचुअल फील, ऑटोमेटिक, इन्वर्ट ऑफ निगेटिव. ये सारा जो है जिस पर भी हमको सिलेक्ट करना है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. क्लिक ऑन द टेक्सचर बॉटम एंड सिलेक्टेड एंड टेक्सचुअल फॉर्म द डिस्प्ले. क्लिक ऑन द शैडो टैब एंड सिलेक्ट द डिजायर फॉर्मेट फॉर द रीजेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू. क्लिक ऑन द क्लोज बटन. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लोज बटन को हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ फॉर्मेट डेटा सीट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा. स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे. थैंक यू.